Hey guys, welcome back to my channel. तो आज है गणेश चतुर्थी और आज मैं निकला हूँ लालबाग के लिए. तो इस वीडियो में मैं आपको लालबाग के जो भी गणपति है वो सभी गणपति दिखाऊंगा. तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं. गणपति बप्पा मोरिया. तो आप जब भी लालबाग आओगे तो आपको सबसे पहला मंडल जो लगेगा वो है गणेश गली, मुंबई का राजा. तो और अभी मैं उसी मंडल के गेट के सामने खड़ा हूँ. ये पीछे मंदिर का गेट है. तो अभी अंदर जाके देखते हैं कि कैसा मंडप है और कैसी मूर्ति वगैरह है. तो चलो. तो अभी जस्ट हमारा दर्शन हो गया है और इनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है. लाइक आप आओगे एंट्री पे तो आपको सैनिटाइजर दिया जाएगा. वहाँ पे आप खुद को सैनिटाइज करके फिर अंदर आ सकते हो. और अंदर भी ऐसा नहीं कि बहुत मतलब भीड़ हो जाएगी. मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट है. लाइक आप दर्शन लेके थोड़ी देर वहाँ पे रुक के मतलब एक दो मिनट के रुक के आप निकल सकते हो. तो अभी नेक्स्ट मंडल पे चलते हैं तेजुकाया. तो अभी मैं खड़ा हूँ तेजुकाया के गेट के यहाँ पे. और तेजुकाया का जो मंडल है वो गणेश गली के मेन गेट के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में ही है. तो आपको कहीं जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा. बस आप गणेश गली के मेन गेट के यहाँ पे आइए और सामने आपको जो मंडल दिखेगा वो है तेजुकाया का. तो अभी अंदर चलते हैं और इनकी मूर्ति देखते हैं. तो आप जैसे ही इनके मेन गेट से एंट्री करोगे आपको सामने ही मूर्ति दिखेगी कुछ इस तरह से. और मेरे पीछे वहाँ पे मेन गेट है. तो आपको जो यहाँ पे राइट साइड पे मूर्ति दिख रही है ये इनकी पूजा वाली मूर्ति है और इनकी मेन मूर्ति है. तो अभी तेजुकाया और गणेश गली देखने के बाद मैं आया हूँ कालचौक की देखने के लिए. एक्चुअली आप लाइन से आओगे तो पहले चिंतामणि लगेगा. बट चिंतामणि की अभी तक मतलब पूजा कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए हम आए कालचौक की. अभी इस साल तो फिलहाल छोटी मूर्ति है पर जब इनकी बड़ी मूर्ति रहती है तब वो उनकी बड़ी मूर्ति यहाँ पे इतने से गली से आती है. मतलब जो मूर्ति बनाते टाइम में उनका जो मेजरमेंट रहता है कि मतलब मूर्ति का हाथ कितना हाइट होना चाहिए, मूर्ति की हाइट कितनी होनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट होता है. और मतलब आप आगमन के टाइम पे यहाँ पे आओगे ना तो मतलब इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ से इतनी सी गली से जब लेके जाते हैं वो सीन देखने लायक होता है. तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि लोगों की इस साल की मूर्ति कैसी है. तो अभी कालचौकी के बाद हम आए हैं रंगारी बदक चाल जो भी जस्ट साइड में ही है. सब गणपति जो है सब इनके मंडल साइड में ही है तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. तो चलो देखते हैं इनकी मूर्ति और इनका डेकोरेशन वगैरह सब कैसे है. अभी हम आए हैं चिंचपोकली का चिंतामणि का दर्शन लेने जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट मंडल है. तो बट यहाँ पे दूर से देख के लग रहा था कि मतलब अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है, आपको सिर्फ बाहर से मूर्ति देखनी पड़ेगी. बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ दर्शन लेने के लिए अंदर जाके. अगर हुआ तो आप वीडियो देख लोगे, अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट मंडप पर चलते हैं. से भी इस साल भी मंडल ने डिसीजन लिया था कि ये लोग चांदी की मूर्ति बिठाएंगे. तो वो सामने जो आपको मूर्ति दिख रही है वो चांदी की मूर्ति है. मैं एक बार आपको इसका एक क्लोजर लुक दिखा देता हूँ. तो ये इनकी चांदी की मूर्ति है और इनका
इनका जो डेकोरेशन थीम है वो विठ्ठल भगवान के ऊपर है, तो इनका डेकोरेशन एकदम सिंपल और सही है। तो अभी ये मंडल कवर हो गया हमारा, अभी चलते हैं नेक्स्ट मंडल में। तो अभी चिंतामणि का दर्शन लेने के बाद हम आए हैं बालगणित सब बल्लालेश्वर का दर्शन लेने के लिए, जो कि अगर आप लालबाग के लेन से आओगे लेफ्ट साइड में सीधे सीधा तो पहला ही मंडल लगता है। तो अभी हम आए अंबेवाड़ी सा राजा का दर्शन लेने के लिए। ये मंडल मैंने आगमन में कवर किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि इनका आगमन भी बहुत मस्त हुआ था और इनकी जो मूर्ति है वो भी बहुत सही है। तो अभी चलते हैं अंदर और मैं आपको मूर्ति दिखा देता हूँ। हमारा आज का जो लास्ट मंडल है वो है गिरन गौसा राजा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका सबसे फेवरेट मंडल कौन सा था। और हाँ, कल मैं ला रहा हूँ आपके लिए खेतवाड़ी का वीडियो, जिसमें मैं खेतवाड़ी के सभी गणपति इंक्लूड करूँगा। तो अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो बस अभी मैं निकलता हूँ, मैं आपसे मिलूँगा कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।